हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इंसर्शन सॉर्ट डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इस गिवन लिस्ट को सॉर्टेड ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है वो 59276 है। अब बबल सॉर्ट में जो एल्गोरिदम होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम सिलेक्शन सॉर्ट, और आज हम जो करेंगे वो एंटायरली डिफरेंट है उन दो सॉर्टिंग एल्गोरिदम से जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। सो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली में ये होता कैसे, राइट? सो हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें उसके पहले हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि एक्चुअली में इंसर्शन सॉर्ट किस तरीके से काम करता है। सो होता ही है कि यार, अगर हमारे पास एक नंबर है, एक लिस्ट है बेसिकली, तो मैं एक लिस्ट यहाँ पे बना लूंगा एंड इस लिस्ट को हम लोग वही नंबर्स ले लूंगा जो मैंने ऑलरेडी लिए हैं। सो 59276 आई गेस नंबर्स हैं। अब अगर मुझे इस लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो सबसे पहले अगर हम इंसर्शन सॉर्ट का यूज कर रहे हैं तो हम इस पूरे लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट? सो और ये हम एट द बिगनिंग हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, लाइक ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव ओनली वन एलिमेंट और राइट साइड में हमारा पूरा बचा हुआ लिस्ट होता है। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है ना, ये सॉर्टेड है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है और ये अनसॉर्टेड है। सो बेसिकली हम वन बाय वन जो राइट साइड वैल्यूज हैं उनको लेफ्ट साइड सॉर्टेड लिस्ट में डालते हैं, जो हमारा सॉर्टेड सेक्शन है। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि जस्ट पहला एलिमेंट है अनसॉर्टेड लिस्ट का, जो कि राइट साइड में है, राइट? जो कि नाइन है। अब नाइन का कंपैरिजन मैं फाइव से करूंगा, क्या नाइन फाइव से छोटा है? नहीं है। तो हम लोग इसे इसे स्वैप नहीं करेंगे और उनको उनके ही जगह पे रहने देंगे। तो इसके बाद जो मुझे नई लिस्ट मिलेगी वो होगी 5 9 वैसे ही, बट अब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड है वो सॉर्टेड है, मतलब सॉर्टेड लिस्ट में अब दो एलिमेंट्स आ चुके हैं एंड देन उसके बाद हमारे पास है 2 7 6, राइट? तो अब हमारे ये सॉर्टेड है और ये हमारा अनसॉर्टेड है। अब हम 2 को कंपेयर करेंगे और 2 को जब मैं 9 से कंपेयर करूंगा तो 2 9 से छोटा है, तो हमें स्वैप करना पड़ेगा। मतलब मैं 2 को लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा और फिर बाद में 2 को 5 से कंपेयर करूंगा तो वो 5 से भी छोटा है, तो मैं 2 को ओवरऑल यहाँ पे लाऊंगा। तो ये जो 2 की करेक्ट पोजीशन है वो ये है, राइट? तो इस स्टेप के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक ये हमारे पास हो जाएगा 2 5 9 एंड बाद में हमारे पास 7 6 आ जाएगा, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया और ये अनसॉर्टेड ऑर्डर में है। सो और यही प्रोसेस करते करते हमारे पास फाइनली पूरा लिस्ट सॉर्टेड हो जाएगा। सो एट द एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस, लाइक 2 5 7 2 5 6 7 9, और यही हम चाहते हैं। एट द एंड हमें ये पूरा सॉर्टेड लिस्ट चाहिए। अब यार, हम इसे प्रोग्राम में कैसे करेंगे? जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया इसी को हम प्रोग्राम में लिखने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 9 एंड हमारा एंड पॉइंट होगा 6 एंड हम इन्हीं वैल्यूज को जो भी लेफ्ट लाइक जो भी वैल्यूज लेफ्ट साइड में हम उनसे कंपेयर करेंगे, राइट? तो सबसे पहले यार मैं अगेन कोड एडिटर खोल लूंगा एंड सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना लिया है, एक सैम्पल लिस्ट, एंड मैं इसे स्टार्ट करूंगा एक लूप से। सो मैं बोलूंगा फॉर आई इन रेंज, तो ये हमारा लूप है जो कि 1 से स्टार्ट होगा। मैं 0 से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया है कि 5 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो सो मैं 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड मैं जाऊंगा लेंथ ऑफ लिस्ट तक, राइट, जो कि लास्ट एलिमेंट तक होता है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्पेशल एलिमेंट को चुनूंगा, वो स्पेशल एलिमेंट है वो एलिमेंट जो मैं कंपेयर करने वाला हूँ बाकी एलिमेंट से। तो इस जगह पे डेफिनेटली मैं जो हमारा वो जो स्पेशल एलिमेंट है वो होगा 9 और इन टर्म्स ऑफ लिस्ट इट इज लिस्ट ऑफ 5। सो बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 9 से, तो पहला हम बोल रहे हैं कि जो एलिमेंट है जो हम बाकी एलिमेंट से कंपेयर करने वाले हैं, जिसे हम उसकी करेक्ट पोजिशन पे रखने वाले हैं, वो हमारा लिस्ट ऑफ 5 है। उसके बाद हम इसे कंपेयर किससे करेंगे, हम इसे कौन से इंडेक्स नंबर से कंपेयर करेंगे, मतलब वो एलिमेंट जो किस इंडेक्स नंबर पे है, वो है जे इक्वल्स आई माइनस वन। अब यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है कि हम जे क्यों क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमें हम आगे जो प्रोग्राम लिखने वाले हैं वो हमारे लिए कंफ्यूजिंग ना हो। तो जो जे है वो इंडेक्स नंबर ऑफ 5 है, राइट? तो जहां पे भी 5 प्रेजेंट है, जो कि वो जो एलिमेंट है हमारे पास उसके लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर जे है, जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं, राइट? अब मैं स्वैप कब करूंगा या फिर मैं 9 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कब करूंगा, उसके लिए मुझे कंडीशन लिखनी होगी। अब वो कंडीशन बहुत ही ज्यादा प्रॉपर है, जब 9 जो एलिमेंट है वो 5 से छोटा हो, राइट? तो मैं वो चीज करूंगा, तो मैंने कहूंगा व्हाइल एलिमेंट इज
जो एलिमेंट जो हमारा स्पेशल एलिमेंट है जिसे हम कंपेयर करने वाले हैं, इफ दैट इज स्मॉलर देन लिस्ट ऑफ जे, डेफिनेटली मैं यहाँ पे जे लिखूंगा, और जे कौन सा एलिमेंट हुआ, ये फाइव। अगर अगर ये एलिमेंट छोटा हुआ लिस्ट ऑफ जे से, तब तो मैं स्वैप करूंगा ही, राइट। और अगर नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं करूंगा। वेल यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी, मैं कंटिन्यूसली लेफ्ट साइड में नहीं जा सकता, तो एट द एंड मुझे ये भी कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि साथ ही साथ जो जे है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा हो, राइट, उससे छोटा ना हो। एक बार मैंने ये कंडीशन लिख दी, अब मैं यहाँ पे स्वैप करूंगा, बट स्वैप में ऐसे नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं ना एक स्पेशल तरीका यूज करूंगा, मैं एक पर्टिकुलर कंडीशन ले लेता हूँ। मान लो कि ये हमारा यहाँ तक सॉर्टेड हो गया है, एंड अब मैं ये टू का चांस है। सो सबसे पहले अगर मुझे टू को यहाँ पे लाना है, तो सबसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी टू मेरा एलिमेंट में स्टोर रहेगा, राइट, क्योंकि मैंने लिखा है लिस्ट ऑफ आई। तो जब आई की वैल्यू हमारी टू हो जाएगी, लाइक ये तो टू, लाइक टू अभी इंडेक्स नंबर टू पे प्रेजेंट है, तो आप कंफ्यूज मत होना। सो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा टू है वो एलिमेंट है यहाँ पे अभी, और इसे अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं तो हम स्वैप नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट मैं नाइन को यहाँ पे ला दूंगा, मैं बोलूंगा ये नाइन की जगह हो गई, नाइन की जगह पे मैं फाइव ला दूंगा, एंड बाद में टू को इस फाइव के से फाइव से रिप्लेस कर दूंगा, राइट। तो हमारे पास कुछ वही चीजें आ जाएंगी, सो टू फाइव की जगह आ जाएगा, एंड देन फाइव और नाइन शिफ्ट हो जाएंगे आगे की तरफ। सो वो शिफ्टिंग कैसे करनी है, चलिए वो देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर पोजिशन पे अगर हमारा जो एलिमेंट है वो छोटा हुआ लिस्ट ऑफ जे से, तो मैं सिंपली जो हमारा लिस्ट ऑफ जे प्लस वन है वहां पे मैं लिस्ट ऑफ जे डाल दूंगा। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, अगेन लिस्ट ऑफ जे प्लस वन हमारा टू है, एंड वहां पे मैं नाइन डाल रहा हूँ, राइट, ताकि मुझे बाद में टू को रखने के लिए जगह मिल जाए। और ये शिफ्टिंग मैं करता रहूंगा कंटिन्यूसली। और एक और बात, हर बार मैं जे की वैल्यू को डिक्रीज करूंगा। और जे की वैल्यू को मैं इसलिए डिक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली लेफ्ट साइड में जाना है, राइट। और एक बार अगर जे जीरो हो गया तो वो हमारा लास्ट टाइम होगा जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे। ये करने के बाद एट द एंड हम ये पूरा लूप कंप्लीट करने के बाद जो एलिमेंट की सही जगह है वहां पे उस एलिमेंट को डाल देंगे। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिस्ट ऑफ जे प्लस वन। मैं यहाँ पे जे प्लस वन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यहाँ पे माइनस लिखा था, तो जे प्लस वन के जगह पे मैं डाल दूंगा एलिमेंट जो कि उसकी करेक्ट पोजिशन है, एंड दैट्स इट। हमारा यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट हो गया। और एट द एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट, और मैं लिस्ट को प्रिंट कर दूंगा। चलिए देखते हैं कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं कर दूंगा रन पाइथन फाइल, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 5 6 7 9 जो कि एकदम सॉर्टेड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में लिस्ट मिल चुका है। तो उम्मीद है यार आपको ये समझ में आया होगा। और ही यहाँ पे हम इसे इंसर्शन सॉर्ट कहते भी इसलिए हैं क्योंकि हम कंटिन्यूसली अनसॉर्टेड लिस्ट में से जो सॉर्टेड सेक्शन है वहाँ पे हम कंटिन्यूसली वैल्यूज को इंसर्ट करते रहते हैं, और एट द एंड हमारे पास पूरा जो लिस्ट है वो सॉर्टेड हो जाता है। अगर आपको कोई डेफिनेटली डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर कुछ सजेशन होगा तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू, बाय।